हेलो, लेट्स वी स्टार्ट रीडिंग। भालू आया, भालू आया, ये कविता हम अब रीड करेंगे और बच्चों को किस तरह से लर्न करवानी है ये भी मैं दिखाऊंगी। अभी देखो, यहाँ पर ना मेरे स्टूडेंट है, इसको आज ओरल लेना है, स्कूल में ओरल होने वाला है और उसके लिए मैं उसे लर्न करवा रही हूँ। तो किस तरह से करते हैं हम लोग, चलो स्टार्ट करेंगे। भालू आया, भालू आया, ठुमक ठुमक कर नाच दिखाया, खेल मदारी दिखा रहा है, खेल मदारी दिखा रहा है, डम डम डमरू बजा रहा है, डम डम डमरू बजा रहा है, खुश होकर सब देख रहे हैं, खुश होकर सब देख रहे हैं, ठन ठन पैसे फेंक रहे हैं, ठन ठन पैसे फेंक रहे हैं, भर दी है पैसों से थाली, बजा रहे हैं बच्चे ताली, बच्चे ताली। वेरी नाइस। अभी वन मोर टाइम हम करेंगे। भालू आया, भालू आया, भालू आया, भालू आया, ठुमक ठुमक कर नाच दिखाया, ठुमक ठुमक कर नाच दिखाया, खेल मदारी दिखा रहा है, खेल मदारी दिखा रहा है, डम डम डमरू बजा रहा है, डम डम डमरू बजा रहा है, खुश होकर सब देख रहे हैं, खुश होकर सब देख रहे हैं, ठन ठन पैसे फेंक रहे हैं, भर दी है पैसों से थाली, बजा रहे हैं बच्चे ताली, बजा रहे हैं बच्चे ताली, बजा रहे हैं बच्चे ताली। तो इसी को हम एक्शन के साथ में भी कर सकते हैं और बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाना है कि यहाँ पर ये है भालू, ये मदारी है, यहाँ पर पैसों की थाली रखी है और बच्चे पैसे फेंक रहे हैं और वो डमरू बजा रहा है, बच्चे ताली बजा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें बच्चों को हमें दिखानी है। और बच्चे कैसे दिख रहे हैं, खुश खुश होकर सब देख रहे हैं, ठन ठन पैसे फेंक रहे हैं। ठीक है, इस तरह से पूरा पोएम उन्हें एक्सप्लेन करना है पहले, देन उसके बाद 3 से 4 बार तो हमें रीड करवानी है, तब जाके बच्चे वर्ड्स को समझते हैं और अच्छे से लर्न भी करते हैं, है ना परीक्षा? परीक्षा लर्न करेगी और मुझे ओरल भी देगी। ओके, चलो बाय बाय। आप लोग भी करो और अच्छे से अपने मम्मी पापा को या टीचर को ओरल दो।